हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सृष्टि, मैं आपको बताने जा रही हूँ खोआ वाला खीर किस तरह से तैयार करते हैं। ये मैंने 100 ग्राम चावल ले लिया, इसे हमने अच्छे तरह से धो लिया है। अब हम जो दूध लेंगे उसे हम 2-3 बार अच्छे तरह से बॉईल कर लेंगे और उसे अच्छे, ये मैंने 2 किलो दूध लिया है, 2 kg है। इसे अच्छे तरह से हमें जला लेना है। ये कुछ इस तरह से आएगा, हमारा पीलापन हो जाएगा दूध में। और हम इसमें 100 ग्राम चावल डालेंगे। तस्मई वाला खीर हमेशा तेज आंच पे बनता है, इसे हम तेज आंच करके पकाएंगे। ये देखिए मेरा पूरा हाई फ्लेम है। इस तरह से हमारा इस तरह से मिला लेंगे चावल डालने के बाद अच्छी तरह से, और इसे हम 2-2 मिनट पे चलाते रहेंगे। स्टार्टिंग में हम 2-2 पॉइंट पे चलाएंगे 2-2 मिनट पे, और फिर हमें इसे बाद में लगातार चलाना पड़ेगा ताकि हमारा जले नहीं नीचे से। ये हमें इस तरह से लगातार चलाते रहना है, ये उबलते रहेगा और इसे हमें छोड़ना नहीं है। ये काफी सुंदर लग रहा है देखने में। ये हमारा तस्मय वाला खीर बनाने के लिए आपको इसे लगातार चलाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मेहनत है बट बहुत ही टेस्टी बनता है। ये हमारा इस तरह से उबल रहा है, आपको लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा इसे तैयार। ये हमारा चावल इस तरह से आएगा, थोड़ा सा ये हमें चावल चेक करना है। ये हमारा चावल बिल्कुल अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका है तैयार। अब हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स इसमें मिला सकते हैं बट हमें पसंद नहीं है इसलिए हम इसमें नहीं मिक्स करेंगे। इसमें हम चीनी मिक्स करेंगे और इलायची मिक्स करेंगे। अक्सर मीठे पकवान में हमें इलायची मिक्स करनी चाहिए जो कि हाँ बहुत अच्छा टेस्ट देता है उसके। इसमें हमें 100 ग्राम चीनी डालना है। 100 ग्राम हमने चावल लिया था, सेम अमाउंट में हमें चीनी भी डालना है। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हमारा खीर का जो रंग आया है बहुत ही लाल कलर का आ गया है। गाइज आप ये देख सकते हो कि ये हमारा जो दूध था वो कितना कम हो चुका है। इस तरह से हमें जलाना है। ये हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल फूड है, आप इसे बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। गाइज अब हम इसे सर्व करेंगे इस तरह से। ये हम इस तरह से निकालेंगे। ये हमारा काफी सुंदर लग रहा है देखने में। ये हमारा कलर देखिए, इसका कलर कितना रेड आ गया। प्लीज गाइज ये हमारा वीडियो तैयार हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और थैंक यू देखने के लिए।